मगर इस वक्त हमारे लिए मरने जीने का सवाल जो है जम्मू कश्मीर के तशख्स को बचाना है, आइडेंटिटी को बचाना है। इलेक्शन आज नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे। सरकार कल किसी की भी बन सकती है, एनसी की भी बन सकती है, पीडीपी की बन सकती है, किसी और की भी बन सकती है, मगर मैं समझती हूँ इस वक्त जम्मू कश्मीर के तशख्स को बचाने की जिम्मेवारी मेन स्ट्रीम पार्टीज में ज्यादा है। आपको लग रहा है मैम कि आपने बड़ी अहम बात की कि फारूक अब्दुल्ला साहब दबाव में प्राइम मिनिस्टर से मिले क्रिकेट स्कैम को अपने आप को बचाने के लिए? देखिए मैं ऐसा नहीं कह सकती कि वो अपने आप को बचाने के लिए उनसे मिले, मगर मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई जब उमर साहब ने कहा कि हमने जो है इलेक्शन के बारे में उनसे बात की और बाकी क्या बातें हुई उसके बारे में ज्यादा दोहराया नहीं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त फोर फ्रंट पे 35A 370 या जो बाकी हमारे यहाँ तश्वीश है लोगों में उसके बारे में बात करना और उसके बारे में जवाब देना ज्यादा जरूरी है। मैम बीजेपी कह रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मसला है 370 का, को इसको इतना पोलिटाइज करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी का कहना है। देखिए अगर आप बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी है उनके, कंट्री के, नेशन के, उनके स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, अगर आप उनके बयान सुनेंगे या जो पार्लियामेंट में इनके लोग बात करते हैं तो उससे जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में एक तश्वीश की लहर दौड़ रही है। और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज किया जा रहा है, जिस तरह से थानों में जो कश्मीरी पुलिस है उनको साइडलाइन करके सीआरपीएफ और दूसरी फोर्सेस को ज्यादा रोल दिया जा रहा है, उससे जरूर शक पैदा होते हैं कि कुछ होने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि इस पूरे माहौल को कम करने के लिए, इस प्रेशर को कम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल जो हमारे कारकुनान है निचली लेवल पे सबको एक कट्ठे होने, मैंने कहा जो सेपरेटिस्ट है वो तो तकरीबन जेलों में बंद है या घर में नजर बंद है। आज सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज पे है कि जिन्होंने यहाँ हिंदुस्तान का आईन लाया है 1947 में, उसके बाद जब हिंदुस्तान का आईन बना तो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज, यहाँ की लीडरशिप, मरहूम शेख साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान का आईन लाया है। और आज वो हम पीडीपी जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज है, हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम को जो आईन हमें मिला है हिंदुस्तान से उसकी रखवाली करें ताकि हिंदुस्तान के आईन की भी रखवाली हो। तो ट्रंप ने कहा है कि हम सारे चीज करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैम मैडम आखिरी सवाल, मैडम आखिरी सवाल, जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है।